बताइए कौन से जात के हैं? मैम जात ऐसे पूछना हमारे ख्याल से हम कहाँ बोल पूछ रहे हैं, सरकार पूछ रही है, आप हमको बोल रहे हैं। जात गिनवाने में क्या दिक्कत है? बहुत प्रॉब्लम है। कौन से जात के चाचा? पासवान जी हैं। हाईकोर्ट के तरफ से हरी झंडी दे दिया गया है कि जाति जनगणना अब होनी चाहिए। जाति जनगणना सिर्फ फालतू चीज है। वो पासवान होके बोल रहे हैं, वो अलग अलग आरक्षण का डिमांड करेगा, इसीलिए तो कराया जा रहा है। और कितना आरक्षण दीजिएगा? 50% तो ऑलरेडी आरक्षण है। जातीय गणना तो होना चाहिए, जो गणना होगा ना तो इसमें हम लोग भागदारी होंगे। सरकार का क्या है, सरकार कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, अब उसके अनुकूल हम लोग चलेंगे। अच्छा, तो लो फॉर्म भरते तो उसमें जात नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो फिर पूछने में क्या है? नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनरल है आप? हाँ जनरल है, इसीलिए दुखी है। हाँ दुखी। जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, हमें देखे तो सबसे खराब, कुछ उससे फायदा नहीं है, सरकार का लॉस्ट है। बैकवर्ड क्लास में डीएम नहीं है। छोटे जात में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, फिर भी उनको बहुत सारे सरकारी बेनिफिट मिल रहा है, और बड़े बड़े जात से भी बहुत लोग हैं जो पिछड़ा है, तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसके आधार पर कीजिए ना, अपने फायदे के लिए करवा रही है। जातीय जनगणना से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना अपर कास्ट को होगा ना लोअर कास्ट को होगा। क्या फायदा होगा सरकार को? सरकार को फायदा, वो अपना वोट के लिए फायदा कर रहे हैं। वोट के लिए? वोट के लिए करते हैं, नाम दे दे रहे जनता का, फायदा। जनता इसमें कोई फायदा नहीं है। जात गिनवाने में क्या दिक्कत है? बहुत प्रॉब्लम है, उससे पता चलेगा ना कि हाँ यहाँ बिहार में इतना इतना कास्ट का इतना जनसंख्या है, उन लोगों को और मनोबल बढ़ेगा कि मेरा कास्ट तो इतना है। हाँ। उसको भी अब चाहिए पोस्ट अलग आरक्षण। क्या कहिएगा? वो अलग अलग आरक्षण का डिमांड करेगा, इसीलिए तो कराया जा रहा है कि उन लोग को आरक्षण मिले। तो और कितना आरक्षण दीजिएगा? 50% तो ऑलरेडी आरक्षण है। तो जनरल है आप? हाँ जनरल है, इसीलिए दुखी है। हाँ दुखी हो रहा है। नहीं दुख इसलिए हो रहा है कि ठीक है आप आरक्षण दीजिएगा, तो आप फौज में भी आरक्षण कीजिए ना। फौज में जनरल लोग मरने के लिए जाए, और जो इधर स्कूल कॉलेज में एडमिशन कर का बात है तो वहाँ आपका छोटा कास्ट का कम भी ना, 400 नंबर ला के भी लोग जा रहा है, और 650 नंबर हम लोग का बच्चा ला रहा है वो भी नहीं जा रहा है। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं? देखिए आरक्षण हम तो नहीं है, जैसे आप कहिएगा कि मैं अपर कास्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए आरक्षण मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता है। आरक्षण जाति पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण इनकम पे होना चाहिए कि आप दबे हुए आदमी हैं तो ये देखिए आपको फॉरवर्ड कास्ट में भी दबे हुए लोग हैं, वो फिर मरे जाएंगे, वो कास्ट पर मरे जाएंगे, वो तो भूखे पड़े हैं, उसमें गरीब आदमी नहीं है। बैकवर्ड क्लास में डीएम नहीं है, एसटी एससी में। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कास्ट है जो लोग उनको छूत अनछूत करते हैं, उनको आगे चलने ही नहीं देते, उनके साथ बैठते नहीं है, नहीं है। अब नहीं है वो चीज़, अब वो चीज़ नहीं है। ये हमारे हैं, ये फॉरवर्ड है, मैं बैकवर्ड हूँ, मुझे भाई की तरह मानते हैं, मैं कैसे मांग कह लूँ कि करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं आप अपना व्यवहार सही रखिए ना। देखिए कोई कास्ट नहीं होता है, कास्ट हो आप घर को स्वच्छ रखिएगा, हर व्यक्ति आएगा, और आप बड़े कास्ट होके घर को गंदा रखिएगा तो क्यों? मंदिर में दलित जाते हैं? हाँ क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं। अब तो 100% जाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ देखभाल भी उन्हीं की जिम्मेवारी में। अच्छा है। एक डोम नाम का एक कास्ट होता है क्या? हाँ। वो मंदिर में जाते तो, हैं? अब तो 80% डोम ही रखवाला कर रहा है साफ सफाई में। जाते हैं 80%? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जो महावीर मंदिर में देख लीजिए, बैकरपुर बैकुंठ। देश के राष्ट्रपति को भी रोक दिया गया था? नहीं रोका गया। क्या बात कर रहे हैं, न्यूज नहीं देखे थे? देखिए वो आम पब्लिक नेता जो है ना, कोई भी नेता हो, चाहे कल के डेट में, नेता अपने फायदे के लिए करते हैं, पहली बात है। नेता तो नहीं होना चाहिए नेता। देखिए यहाँ कास्टलिज्म इसलिए हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, उनको वोट प्रतिशत चाहिए ना, वो अपना। जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? सरकार जो चाहे मतलब करवा सकते हैं, पब्लिक के थोड़ी कोई मतलब यह है इसमें। आपको क्या लगता है कि हाँ जो सरकार करा रही है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हित के लिए कर रही है? हित की बात है, लेकिन सरकार क्या उससे मतलब फायदा होगा ये कुछ बता नहीं रही है। बैकवर्ड के 35 साल से मतलब बहुत, देखिए बैकवर्ड क्लास हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, ये सब तो बहुत लोग हैं, इनको जानते नहीं, इनके साथ गलत व्यवहार होता है, या फिर इनको जो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको ले करके वो जो कर रहे हैं कि इन लोगों को आरक्षण मिले, तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? जाति के लोग हैं। हाँ। हम लोग एक जगह खा के बैठ के मतलब खाते हैं, कहीं कोई फीलिंग मतलब नहीं है। इससे सरकार को फायदा होगा, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड कर करके वो राजनीति अपना रोटी सेकेंगे, मतलब जनता को मतलब अलग अलग कर देंगे। मतलब क्या लगता है, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। आपको लगता है हाँ ये जाति जनगणना कहीं ना कहीं फायदा होगा? कुछ तो फायदा होगा, कुछ फायदा होगा। चलिए आप बताइए, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, हमें देखे तो सबसे खराब है। क्यों खराब है? इसीलिए कुछ उससे फायदा नहीं है, सरकार का लॉस है, खाली जातिगत कुछ फायदा नहीं। रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट लोग के लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह हो? अरे वो अलग हिसाब, ये जाति जनगणना महा सरकार का पैसा फालतू डूबेगा, कुछ उससे फायदा नहीं है। कुछ नहीं फायदा है, अगेंस्ट है आप? हाँ। क्या कहिएगा जाति जनगणना के लिए? अब हाई कोर्ट भी हामी भर दी है, हरी झंडी दिखा दी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे हाई कोर्ट के द्वारा जब हाँ कर दिया तो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ होगा ना, ऐसे ही तो हाई कोर्ट नहीं कर दिया कि हाँ? ये सब राजनीति है, वोट बैंक की पॉलिसी है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो सरकार कुछ मतलब ये जाति जनगणना करा के कोई फायदा नहीं? कुछ नहीं, सरकार अपने फायदे के लिए करवा रही है, जातीय जनगणना से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना अपर कास्ट को होगा ना लोअर कास्ट को होगा, और आपस में मतभेद होगा, बाद में लड़ाई झगड़ा होगा, और इससे कुछ होने वाला नहीं। कौन से जात के चाचा? पासवान जी हैं। आपको पता है हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दिया गया है कि जाति जनगणना अब होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो क्या कहिएगा इस पे? जाति जनगणना सिर्फ फालतू चीज है। वो पासवान होके बोल रहे हैं, पासवान नहीं चाहता जाति जनगणना हो। कहला होगा, वो फालतू पैसा खर्चा ना होगा, वह पैसा किसी चीज में लगा दिया तो ठीक है। सरकार तो बोल रही है अगर हम जान जाएंगे कौन से जाति के हैं कौन से, तो उनको डेवलप करने के लिए इजी पड़ जाएगा। डेवलप करना जिनको होता है तो बिना जाति जनगणना भी डेवलप कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए? आखिर क्यों करवाना चाह रहे बता सकते हैं? क्या फायदा होगा सरकार को? सरकार को फायदा, वो अपना वोट के लिए फायदा कर रहे हैं, वोट के लिए करते हैं, नाम दे दे रहे जनता का, जनता फायदा होगा। जनता इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसमें सरकार का फायदा है, वो अपना चाह रहे हैं कि हमको इतना वोट है, उसको इतना वोट है, इसी तरह कोई बात नहीं। ठीक है, बुजुर्ग है, बताइए जाति जनगणना हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं? जातीय गणना तो होना चाहिए। कौन से जात के हैं? हम तो पाल जी हैं। पाल जी किस में आते हैं? पाल जी गणेरी अति पिछड़ा में आते हैं, तो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या? तो फिर करना चाहिए। तो क्या लगता है जनगणना होगा, जाति जनगणना, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे? हाँ, जातीय यदि जनगणना होगा ना तो इसमें हम लोग भागदारी होंगे, इसलिए होंगे, और जनगणना नहीं होगा इसमें राजनीति की साजिश है कि नहीं होने दे रहा है बीजेपी वाले, नहीं होने दे रहे बीजेपी देवी वाले नहीं होने दे रहा बीजेपी होने दे रहे नहीं होने दे रहा लेकिन आप हाई कोर्ट तो बोल रही है कर सकते हैं। हाँ, हाई कोर्ट ने देश पहले तो रुकावट डाली थी कि नहीं होना चाहिए, सर मतलब खुश है कहीं ना कहीं जाति जनगणना हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ होने के बाद आप लोगों का कुछ विकास होगा? हाँ, ये तो बात है। चलिए बताइए कौन से जात के हैं? मैम जात ऐसे पूछना हमारे ख्याल से हम कहाँ बोल पूछ रहे हैं, सरकार पूछ रही है, आप हमको बोल रहे हैं। सरकार का क्या है, सरकार कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, उसके अनुकूल हम लोग चलेंगे। अच्छा, तो लोग फॉर्म भरते तो उसमें जात नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो फिर पूछने में क्या है? नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे आप किसी क्षेत्र में किसी को नहीं बांट सकते हैं। आप जाति का पूछने मना कर रहे हैं, आप तो जाति जनगणना हो रहा है, जो भी करिएगा तो उसमें तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बता लोगे, अलग से कोर्ट होगा, गवर्नमेंट जब पूछ रही है तो हमको तो बताना है, बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहीं भी सही नहीं है। नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं है। बता दीजिए कौन से जात के आधार पे कीजिए ना, पहले आप बताइए कौन से जात के है। जात में हम पूछ कर एक तरह से हमको मतलब ये होता है ना कि चलिए ठीक है हम जात पूछ रहे हैं, ऐसे गिल्टी फील होता रहता है, प्राउड नहीं। आप जो भी जात के हम नहीं जानते हैं क्या, आप जो भी जात के आपको प्राउड नहीं फील होता क्या? होता है, लेकिन हम बता क्यों नहीं रहे? सुनिए, जात बताने से हमको प्राउड फील होगा या हम अपने मतलब कर्म के आधार पर हम अपना आपका नाम पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि नहीं हम नाम क्यों बताएंगे? ऐसे हम नहीं, ऐसी बात नहीं, नाम तो जरूर बता सकते। जात पूछ रहे थे, इतना कौन सी जात? हम आते हैं, तातम जात से आते हैं, पान ताती जो होता है ना, किसमें आता है ये? ये पिछड़ा जाति में आता है। पिछड़ा जाति में आता है, तो आप लोग के लिए तो अच्छा ही कुछ हो रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना, आर्थिक आधार पे कीजिए ना जातीय जनगणना, ये सही नहीं है। आर्थिक आधार पे करिए, इसके अनुकूल आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे छोटे जात में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, फिर भी उनको बहुत सारे सरकारी बेनिफिट मिल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और बड़े बड़े जात से भी बहुत लोग हैं जो पिछड़ा है, तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसके आधार पे कीजिए ना, आर्थिक आधार पे करते, इससे दोनों को मतलब बेनिफिट है। हाई कोर्ट से जो है परमिशन मिल गया है कि अब बिहार में जाति जनगणना हो
सकता है। तो लोगों का क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके आधार पर क्या लगता है जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ, मैं फरहत अफसा पटना।